हेलो सर, मैच शुरू की जा रही है। अंपायर का इशारा लेट्स प्ले का। तौसीफ शेख माइक्रोफोन पर, स्ट्राइक पे विश्वास पटेल और नॉन स्ट्राइक पे नील मोना सिंह संजान की ओर से पहली ओवर लेके आते हुए गेंदबाज। मोना सिंह अपना 12 फील्डर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला, गेंदबाज तैयार। पहली गेंद थी, गेंद में खेल दिया, उससे गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। काफी अच्छा स्ट्रोक खेला था विश्वास ने, कवर ड्राइव लगाया। इसी 4 रन के साथ अपने टीम का और अपना खाता खोला विश्वास ने। एसएस फाइटर की ओर से अच्छी शुरुआत। प्रभात अपने ओवर की दूसरी गेंद लेते हुए विश्वास के लिए, और शॉर्ट पिच गेंद की थी वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग, खतरा हो सकता है रन आउट होने का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रनों पर एसएस फाइटर का। अगली गेंद नील के लिए, प्रभात की लेफ्ट हैंड गेंदबाज और स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। प्रहलाद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी वापसी की। नील के लिए अगली गेंद और सी चीट कर दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है देखना है। और ये आसान सा कैच, पहला झटका लगता हुआ एसएस फाइटर को नील के रूप में। नील का स्थान लेने आते हुए अगले बल्लेबाज रिक्की पटेल। प्रहलाद की अगली गेंद रिक्की के लिए, लेफ्ट हैंड गेंदबाज और शॉर्ट पिच गेंद थी, सिक हुक कर। मोना सिसी का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो नूरुल सुल्तान की ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आते आते पहली गेंद पे चौका झड़ा है रिक्की ने, थोड़ी सी महंगी साबित होती पहली ओवर मोना के लिए। अगली गेंद रिक्की के लिए, फिर से एक बार ऑफ साइड में खेल दिया, थोड़ी सी खराब फील्डिंग। 1 रन पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एक ओवर की समाप्ति पे 10 रन एसएस फाइटर का। अच्छी शुरुआत।
मोना सिसी का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो सुल्तान की ओर से 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मोना के लिए अगले ओवर लेके आते हैं गेंदबाज हरबाज। हरबाज निकल के दिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, पूरी तरह बांध के रखा था बल्लेबाजों को और विकेट्स भी निकाले थे अपनी टीम के लिए। दोनों ही मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे अपनी टीम की ओर से। हरबाज और हैट्रिक पर इरशाद सुरंगी की ओर से भी 1000 रुपया दिया जाएगा मोना संजान के गेंदबाजों को। और ये फुल टॉस गेंद थी, सीधा खेल दिया गेंद जाती वहां पर खिलाड़ी मौजूद और काफी अच्छा कैच लपका है और ये लगता हुआ एसएस फाइटर को दूसरा झटका। हेलो, रिक्की का स्थान लेने आए आइकॉन एसएस फाइटर के रिक्की एन पटेल। अरबात की गेंद काफी अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान दिया रिक्की एन ने। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे अरबाज, कल के दिन भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी अरबाज ने। अरबाज की गेंद गेंद के लिए और काफी अच्छा मिस हिट यहाँ पे अरबाज गेंद के नीचे और आसान सा कैच एसएस फाइटर को लगता हुआ ये तीसरा झटका आइकॉन खिलाड़ी रिकेन। एसएस फाइटर के कप्तान थोड़ा फास्ट रखे अपने खिलाड़ी को जल्द से जल्द भेजे ग्राउंड में। ब्रिजेश पटेल अगले बल्लेबाज रिकेन का साल लेने आए ब्रिजेश पटेल। मोना जरूर पहले ओवर में थोड़े से रन आए थे लेकिन इस ओवर में अच्छी वापसी कराई अरबाज ने। अभी तक 3 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया और 2 सफलताएं दिलाई अपने टीम को और हैट्रिक पे जो इनाम है और बोल्ड किया तो भी 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा और हैट्रिक पे 1000 रुपये सुल्तान की ओर से और सुरंगी की ओर से। और अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर बोल्ड करता है अरबाज किसी भी बल्लेबाज को तो मोहम्मद सुल्तान की ओर से 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अरबाज काफी अच्छी बैटिंग। सलीम खान पप्पू इधर आ।
काफी अच्छी गेंदबाजी करे यहाँ पे हरबंद रिव्यू व्हाइट के लिए रिव्यू लिया बैटिंग साइड ने। नो बॉल बीमा डिलीवरी थी ये नो गेंद थर्ड अंपायर का डिसीजन मामा नसीब का गुरु शिष्य कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत उनसे विनंती है कि वो स्टेज पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मामा और ये फ्री हिट की गेंद अरबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करे थे और फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी करी जरूर एक मौका दिया था फ्री हिट का लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज ब्रिजेश। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अरबाज पूरी तरह बांध के रखा है एसएस फाइटर के बल्लेबाजों को। अगर मोना का कोई भी बल्लेबाज गेंदबाज अगर क्लीन बॉल करता है तो उसे मोहम्मद सुल्तान की ओर से 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और लेग साइड में खेल रहे वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है और दूसरा रन काफी अच्छी रन इन द बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 2 रन पूरा किया काफी तेज दौड़ लगाई दोनों ने ही। दो ओवर की समाप्ति पे एसएस फाइटर का स्कोर पहुंचा है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अरबाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में 3 रन खर्च करके 2 सफलता दिलाई अपनी टीम को। हसनैन अगले गेंदबाज मोना की तरफ से नाजिम गुल्ली की तरफ पूरी तरह गेंद करते हैं वो कॉपी हसनैन अंपायर मैच जरा स्टार्ट कराए फास्ट रखे जरा 5 ओवर आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना नहीं तो पेनल्टी दी जाएगी। विश्वास जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आए थे काफी कम गेंद खेलने का मौका उन्हें मिला इस बार फिर से एक बार स्ट्राइक पे विश्वास गेंदबाज हसनैन और काफी अच्छी गेंद और अंपायर का इशारा वाइट और रिव्यू वाइट के लिए रिव्यू मोना संजान की ओर से इस बार अगर हसनैन हैट्रिक लेते तो अल्ताफ मलिक की ओर से 3100 रुपये का इनाम।
फेयर डिलीवरी, अगर हसनैन हैट्रिक लेते तो अल्ताफ मलिक की ओर से 3100 रुपये, 3100 रुपये का इनाम, और स्वीप कर दिया वहां पर, खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन लेने का प्रयास खतरा हो सकता है, और थोड़ा सा गेंद कनेक्ट करने में चूके विकेट कीपर, और एक जीवन दान मिलता हुआ विश्वास को, ब्रिजेश को, सॉरी प्रोफेशनल कमेंटेटर को भी एक हैट्रिक के लिए हसनैन को 5000 रुपये का टोटल इनाम दिया जाएगा अल्ताफ मलिक, मोहम्मद सुल्तान और सुरंगी के तरफ से। हसनैन की अगली गेंद ब्रिजेश के लिए, और अंपायर का इशारा वाइट, फेयर डिलीवरी थोड़ा सफल हुए थे बल्लेबाज। हसनैन की अगली गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं हसनैन, फिर से एक बार समझ नहीं पा रहे ब्रिजेश, कभी गेंद अंदर की ओर ला रहे, कभी बाहर की ओर निकाल रहे, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हसनैन, मोना संजान के लिए, और ये सिर्फ खेलने का प्रयास, पूरी तरह बीट होते हुए ब्रिजेश बार बार, काफी अच्छी गेंदबाजी की हसनैन ने अपने ओवर में, अभी तक एक रन खर्च किया है 5 गेंदों में, ये आखिरी गेंद, और फुल लेन डाली थी वहां पे, अच्छा सा लॉन्ग ऑफ पे जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए, 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है। हेलो, विक्की वॉरियर्स वलसाड़ के कप्तान और मोजेस वॉरियर्स के कप्तान टॉस के लिए आ जाए, विक्की वॉरियर्स वलसाड़, विक्की वॉरियर्स विटी और मोजेस वॉरियर्स तलासरी, विटी वॉरियर्स वलसाड़ शैला भाई टॉस के लिए आई है, शैला भाई विटी वॉरियर्स वलसाड़ और मोजेस वॉरियर उमेश कुम टॉस के लिए आई है, चलिए 3 ओवर की समाप्ति पे एसएस फाइटर का स्कोर है कितना, 19 ना कितना हुआ, 18 रन, और काफी अच्छी गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज रेहान की,
मोना की ओर से काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हैट्रिक पे 1000 रुपया है मोना के किसी भी गेंदबाज को। मोहम्मद सुल्तान और सुरंगी की ओर से लेग दिशा में खाली से क्लिक कर दिया, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रनों पे। चौथी ओवर जारी, रेहान ब्रिजेश के लिए। और तो मिस हिट वहां पे और अपने बॉलर में अच्छा कैच लपका रेहान ने और ये एसएस फाइटर को लगता हुआ। और रेहान की गेंद कैनल के लिए हल्का सा कट कर दिया, पे खिलाड़ी मुद्रा रन होने का खतरा हो सकता है। वहां पे काफी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, सी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 रनों पे। काफी अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग देखने को मिल रही है मोना संजान की ओर से। पूरी तरह बांध के रखा है एसएस फाइटर के बल्लेबाजों को विश्वास, जो कि ओपनर बल्लेबाज थे, अभी तक क्रीज पर मौजूद है। रेहान की गेंद विश्वास के लिए और बैक फुट पर जाकर पंच किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 21 रनों पे। रेहान ने अभी तक 3 रन खर्च करके एक सफलता दिलाई है अपने टीम को। रेहान की अगली गेंद और काफी अच्छी गेंद, यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे बल्लेबाज। चार ओवर की समाप्ति पर एसएस फाइटर का 4 विकेट के नुकसान पर 21 रन्स, 21 रनों पर रुका हुआ स्कोर एसएस फाइटर का। अगर हसनैन हैट्रिक लेते तो अल्ताफ मलिक की ओर से 5100 रुपये का इनाम, नूरुल सुल्तान की ओर से 1000 और साथ पीपिया की ओर से सुरंगी 1000 रुपया, टोटल 7000 रुपये का इनाम मिलेगा अगर हसनैन इस ओवर में हैट्रिक निकालते हैं तो। पहली ओवर काफी अच्छी की थी हसनैन ने और स्टंप के काफी बार अंपायर का इशारा व्हाइट। स्नेन की गेंद विश्वास के लिए, फुलटॉस गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और डबल चांस में एक एक लपका और विश्वास जी पे विनर लौटते हुए। ये एसएस फाइटर को लगता है 5वां झटका।
डीजे और ये एसएस फाइटर कोर से दूसरे आइकॉन पार्थ अहिर। अभी पूरी दारोमदार पार्थ अहिर पे होगी अपनी टीम की नैया पार कराने के लिए। कम से कम 50 रन तो बनानी होंगे अगर फाइट देना है तो एसएस फाइटर को। मोना संजाम के गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, उनका पूरा साथ निभाया है फील्डर ने हसनैन की। अगली गेंद पार्थ के लिए और ये दूसरा बैक टू बैक दूसरा विकेट हैट्रिक पे हसनैन। अगर हैट्रिक लेते हैं तो 7000 का इनाम दिया जाएगा। डीजे डीजे मैक्से कॉन्ट्रैक्टर अगले बल्लेबाज। अगर एसएस फाइटर का कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो उसे फरमान करीम पप्पू और सिराज की ओर से 100-100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर हैट्रिक छक्का लगाता है तो हर छक्के पे 500 और हैट्रिक लगाता है तो 11000। अगर कोई भी एसएस फाइटर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो करीम फरमान सिराज और पप्पू की ओर से 11000 का इनाम दिया जाएगा। और हसनैन इस गेंद पे विकेट लेते तो 7000 रुपए का इनाम उन्हें मिलेगा। हैट्रिक पर है हसनैन। अल्ताफ मलिक मोहम्मद सुल्तान और सुरंगी की तरफ से टोटल 7000 का इनाम मिलेगा। देखते ले पाते या नहीं। और काफी अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी मिस होते हुए स्टंप को 22 के रूप में मिलता हुआ एक रन से एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23 रनों पे एसएस फाइटर का। 6 विकेट के नुकसान पर हसनैन काफी अच्छी गेंदबाजी की। हसनैन ने पूरा मौका था हैट्रिक का लेकिन थोड़ा सा बच गए बल्लेबाज। हसनैन की ये गेंद रिवर्सिप में खेल लिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद देखना है रोक पाते या नहीं गेंद को। रोक लिया वहां पर अच्छी फील्डिंग इतना ही अच्छा थ्रो एक रन कंप्लीट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन के साथ बढ़ता है स्कोर 24 रन। पांचवी ओवर जारी, इसके बाद आखिरी ओवर बचेगी, देखना है कितने रन बढ़ पाते एसएस फाइटर के बल्लेबाज। और काफी अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा वाइज के और वाइज के रूप में मिलता हुआ ये एक रन से एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 25 रनों पे। काफी धीमी गति से रन रेट बढ़ता हुआ यहाँ पर एसएस फाइटर का पूरी तरह से बांध के रखा है मोना संजान के गेंदबाजों ने इनके गेंद। और वो काफी अच्छा स्ट्रोक और 500 रुपए का पहला इनाम मिलता हुआ बल्लेबाज केमल ने सिनिंग का। डीजे डीजे केनल ने एक छक्का लगाया अपने टीम के लिए, पहला छक्का था इस इनिंग का और 500 रुपए का इनाम अपने नाम कर लिया है। और अगर हर चौके पे भी 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा एसएस फाइटर के ओनर की ओर से सिराज करीम फरमान और पप्पू की ओर से। अगर कोई भी बल्लेबाज चौका या छक्का लगाता है तो चौके पे 200 छक्के पे 500 रुपए का इनाम।
अगर यहाँ से 10-12 रन बनाते तो जरूर मैच में बने रहेंगे एसएस फाइटर। थर्टी वन रन, 10 या 11 रन यहाँ से बनाते तो जरूर मैच में बने रहेंगे एसएस फाइटर की टीम। और काफी खराब गेंद, लेकिन उतना ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। दोनों अंपायर चर्चा करते रहते हैं, या बीमर है या वाइड गेंद। वाइड गेंद और एक रिव्यू, यहां पर एसएस फाइटर से रिव्यू लिया जा रहा है बीमर के लिए। नो बॉल, बीमर हाइट अपना रिव्यू सक्सेसफुल। यहाँ पर एसएस फाइटर का एक रिव्यू दोनों ही टीमों को दिया जाता है। अरबाज फ्रीट रहेगी इस गेंद पर, स्ट्राइक पे केनल और थोड़ा सा मिस हिट होता हुआ वहां पर खिलाड़ी। गेंद के पीछे एक रन पूरा किया, काफी तेजी से दूसरा रन भी पूरा किया। यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, इसी दो रन के साथ बढ़ता है स्कोर 35। 35 रन एसएस फाइटर का। केनल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। एक बॉल 4 रन। अरबाज की गेंद केनल के लिए और अब कितनी रन, ये दूसरा रन लेने का प्रयास, थोड़ा सा दबाव डाला फील्डर पे और 2 रन कंप्लीट किया यहाँ पर केनल ने। और छक्के और चौके पे एसएस फाइटर के बल्लेबाजों के लिए, चौके पे 200 और छक्के पे 500 रुपया, हर चौके छक्के पर इनाम लगता हुआ यहाँ पर एसएस फाइटर के बल्लेबाजों के लिए। अरबाज की गेंद केनल के लिए और काफी अच्छा स्ट्रोक गेंद जाती है सीमा रखा के और 6 रनों के लिए, काफी अच्छा स्ट्रोक लगा था काउ कॉर्नर पर 6 रन के लिए और ये दूसरा छक्का लगता हुआ।
डीजे, और फिर से एक बार काफी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। काफी तेजी से रन रेट बढ़ता हुआ यहाँ पर स्कोर पहुंचा है 45 रनों पर, थोड़े से महंगे साबित होते हुए अरबाज। अभी भी दो गेंदें बाकी है, 50 जरूर फाइटिंग स्कोर तक पहुंच चुकी है एसएस फाइटर की टीम। यहाँ से पांच या एक हाथ लंबा हिट लगता है तो थोड़ी मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई एसएस फाइटर। हर छक्के चौके में इनाम लगता हुआ टीम के लिए, और ऑफ स्टंप के काफी बार अंपायर का इशारा वाइट। स्कोर बढ़ता हुआ 46, अभी भी दो गेंद शेष है इस ओवर की। अरबाज की गेंद खेलने के लिए, और फिर से एक बार 6 रनों के लिए लगता हुआ ये तीसरा छक्का केनल के बल्लों से, 3 छक्का लगा दिया। फिफ्टी प्लस हाफ सेंचुरी पूरी होती है यहाँ पर, और आज का हाई स्कोर है ये 52 रन बना लिए, और एक गेंद अभी भी शेष है। अरबाज काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में, 21 रन अभी तक लुटा चुके अपने इस ओवर में। अभी भी एक गेंद शेष है अरबाज की, देखता है केनल, और फिर से एक बार गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और लगता हुआ चौथा छक्का केनल के। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। तो चलेंगे मैदान के अंदर, जैसे क्या बल्लेबाजी की है कैनन खल्लासी, कैनल खल्लासी ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की है। कैनल खल्लासी द्वारा खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजहरा पेश किया गया। 2000 रुपए का इनाम है फरमान सिराज पप्पू भाई करीम भाई की तरफ से बल्लेबाज के लिए, जिन्होंने 4 छक्के लगाए हैं। मिस्टर कैनल के लिए 3 छक्के लगाए और 1 छक्का लगाया। बल्लेबाज की बात की जाए, कैनल ने 4 छक्के लगाए। कैनल इनिंग के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। हमारे पास पहुंच चुके एसएस फाइटर टीम के ऑनर की तरफ से, चलेंगे मैच की तरफ। फिर से एक बार नेक्स्ट इनिंग की शुरुआत की जाएगी इस वक्त। इसके पहले टॉस किया जाएगा टॉस के लिए विटी वॉरियर्स वलसाड़ के कप्तान शैलेश भाई और उमेश कुम मोजिश वॉरियर के कप्तान टॉस के लिए आइए। चलो उमेश कुम टॉस आडिया, शैलेश भाई टॉस के लिए आइए। मैं गुजारिश करूंगा टॉस किया जाएगा। समीर खान कार्याध्यक्ष कमेटी के कार्याध्यक्ष समीर खान कहीं पर तुरंत आइए, उनके हाथ से टॉस किया जाएगा। समीर खान तो टॉस इस वक्त किया जा रहा है एसटी। सर
मुझे शोरियर के कप्तान ने टॉस जीता उमेश कुम टॉस जीता यार उमेश अपना निर्णय सुधा संगा माला ओके कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक छक्के और हैट्रिक चौके लगाएंगे तो जनाब नूरुल सुल्तान साहब का एटीएम ओपन हो चुका है हैट्रिक छक्के हैट्रिक चौके के लिए 1000 रुपए का इनाम नूरुल भाई की तरफ से दिया जाएगा और हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम। तो आपको 6 रनों का पिन दबाना है। एटीएम ओपन हो चुका है 100 रुपए का इनाम हर छक्के पर हैट्रिक छक्के हैट्रिक चौके पर दिए जाएंगे 1000 रुपए। तो अंपायर इस वक्त लेट्स प्ले का कॉल करते हुए मैच की शुरुआत की जाएगी। दो अंपायर मैदान के अंदर मुनाब सुल्तान सर और रफीक मंसूरी ऐसे दो अंपायर हैं। पहली ओवर लेकर आगे गेंदबाज की बात की जाए इस वक्त पार्थ तो पहले स्ट्राइक पर इरफान दीवान आइकॉन खिलाड़ी हैं नवसारी के खिलाड़ी इस तरह का पार्थ राय। पहली गेंद इस वक्त चिराग मेन खिलाड़ी चिराग भाई के हाथों में गेंद गोल्डन डक का शिकार पहला विकेट पार्थ राय ने चटकाया। विकेट पर 300 रुपए का इनाम जरूर आया हमारे का 300 रुपए का इनाम आता हुआ एस एस फाइटर के ऑनर की तरफ से हैट्रिक विकेट चटकाएंगे तो 1000 रुपए का इनाम। अक्रम मांजरा इस वक्त ने बल्लेबाज पहला विकेट चटका हैट्रिक विकेट पर 1100 का इनाम होगा एस एस फाइटर टीम के ऑनर की तरफ से और हर एक विकेट के लिए 300 का इनाम होगा। तो 300 रुपए का इनाम इस वक्त पार्थ राय के नाम जरूर आया। चिराग वहां पर नजर आए कहते ना कि दिया मिट्टी का या सोने का इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना उजाला देता है उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर चिराग अपने टीम को उजाला दे रहे हैं हट्टे कट्टे खिलाड़ी है काफी इंटरेस्टिंग खिलाड़ी और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है टीम के लिए एस एस फाइटर के लिए। नील जड़ में रखा था आप खेल दिया वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको फील करते हुए रिकेन पटेल वहां पर गेंद को फील करते दो आइकॉन खिलाड़ी हैं रिकेन और पार्थ राय इस वक्त मैदान के अंदर एसएस फाइटर के लिए खेलते हुए अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की गई पार्थ राय द्वारा। आखिर हम इस वक्त एक गेंद खेली है शून्य पर बल्लेबाजी करते हुए स्लोवर गेंद मिस टाइम गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे विशाल पटेल नहीं करेंगे गलती विकेट का बटन डाउन। चलेंगे फिर से एक बार मैदान के अंदर इस विकेट के लिए 300 रुपए का नाम आता हुआ अक्रम मांजरा शून्य के चश्मा पहनकर एसएस फाइटर करीम भाई पप्पू भाई सिराज भाई काफी खुश है। पप्पू भाई छुप छुप कर हैं पीछे हैं हमारे उमेश भराई काफी खुश गुआ एकदम रंगीन चश्मा पहनकर रंग बिरंगी मगर यहां से पलटवार करने का मौका मोनासी संजान के पास भी है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मोइनुद्दीन नल्ला इस वक्त मैदान के अंदर है। नूरुल सुल्तान की तरफ से हैट्रिक छक्के हैट्रिक चौके के लिए आए में राशि आई है मगर क्या गेंदबाजी की जा रही पार्थ अहीर की बात की जाए अच्छी बल्लेबाजी के लिए आए थे शून्य पर अपना विकेट गवाया था मिस्टर पार्थ मगर जब गेंदबाजी के लिए आए हैं अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक मिनट सर मैच को रोकना है गाड़ी मैदान के बाहर जा रही है उसका मैच शुरू किया जाएगा। तो फिर से एक बार गेंदबाजी का तैयार मोइनुद्दीन स्ट्राइक पर क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था बिंदी गेंद आई है क्या गेंदबाजी की जा रही है इस वक्त चार गेंदे अभी तक कोई रन नहीं खर्च कर दो विकेट चटकाए
रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए 59 का लक्ष्य। दो दिन में सबसे हाई स्कोर देखने को मिलता आती भी इस मैच में। इसके बाद मोजेश वॉरियर बनाम वीटी वॉरियर्स वलसाड एसटी सेमीफाइनल का मैच होंगे। हल्के बल्ले से खेल दिया, शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद की तरफ है, गेंद को फील किया गया, वहां पर मैक्सिक कॉन्ट्रैक्टर हैं, फील्डिंग अच्छी की गई, वहां पर एक रन उधर बढ़ रहा है। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का इस वक्त कप्तान मुजम्मिल पटेल स्ट्राइक पर, मुजम्मिल पटेल स्ट्राइक पर होंगे। स्विच हिट खेलना चाहते थे, देख सकते हैं वहां पर खिलाड़ी हैं, जब तक गेंद को फील किया गया एक रन बटोरा गया, एक रन के साथ 22 का कॉल आता अंपायर का। ओवर नंबर पहला समाप्त होता है, एक ओवर के समाप्ति के बाद रन लगे हैं दो। इस वक्त पहला ओवर समाप्त किया गया, दूसरी ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है इस वक्त खल्लासी कलैन कैन खल्लासी है, कैन खल्लासी को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। हम देख सकते हैं विकी काले एज आइकॉन आज खेलते हुए नजर आते हैं। वेलकम विकी, आपका भी हार्दिक स्वागत होगा। इस वक्त हम इस टाइम डीप में खिलाड़ी हैं, जब तक नील पटेल गेंद की तरफ आए, गेंद को फील किया गया, एक सिंगल दूर बट गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त तीन अंकों पर 59 का लक्ष्य है। तीन रन लगे हैं, दो विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई थी, दोनों ही बल्लेबाज शून्य पर आए, इरफान दीवान और अक्रम माजरा दोनों ही बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, अपील की गई, ऊंची लगी गेंद, अपाद अच्छा था, नॉट स्ट्राइक पर गया और यहां पर बल्लेबाज दौड़ रहे उन पर निशाना लगाया गया। हम देखते हैं विकेट के पीछे विकेट कीपर विकी नजर आएंगे एज अ कैप्टन, गेंद को फील्ड करते हुए गेंद को जब तक थ्रो किया गया कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग रिकी पटेल। तो अंकित पटेल आज मिस है इस टीम में, मगर अच्छी टीम, अच्छी बल्लेबाजी की, बल्लेबाजों की बात की, अच्छी गेंदबाजी भी की जा रही गेंदबाजों द्वारा। ऑन साइड पर कारपेट को रोल करते हुए गेंद को खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक गेंद की तरफ विशाल गेंद को फील किया गया, गेंद को फील करके जब तक थ्रो किया जा रहा एक रन हम देख सकते हैं। विश्वास काफी गहरा हो चुका क्योंकि विश्वास भी टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी तरह से बॉन्डिंग बनती हुई टीम एसएस फाइटर की। इस टीम की बात की जाए, वाइल्ड कार्ड एंट्री इस टीम को दी गई है, जब खेलने के लिए बुलाया गया रात को 12 बजे फोन किया, टीम तैयार की, उसके बाद खेलने के लिए बुलाया गया था इस टीम को, ये टीम वो टीम खेलती हुई नजर आ रही है। और ऑफ साइड पर गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर गेंद को दौड़ते हुए जा रहे हैं मिस्टर रिकेन पटेल, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो किया जाएगा, तब तक दो रन बटोरेंगे। मुजम्मिल पटेल हम कप्तान है, लेदर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं, इस वक्त मात्र दिशा दी थी, दो रन बटोरेंगे, यहां से सिंगल डबल से रनों को बटोरना होगा, स्कोर कार्ड को लगातार चलाना होगा, यहां से अगर आप स्कोर कार्ड चलाते तो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर एक बार करेन खलासी, केन खलासी गेंदबाजी के लिए तैयार, बढ़िया गेंद, इस वक्त शफल होकर खेलना चाहते, मैं क्या तेज तर्रार खल्लास गेंदबाजी कर रहे खलासी, बल्लेबाजी भी बेहतरीन की है, गेंदबाज भी खूबसूरत करते हुए रन की बात की जाए, रन लगे स्कोर कार्ड पर मात्र 6, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, ओवर नंबर दूसरा प्रगति पथ पर, आखिरी गेंद का खेलाना बाकी होगा। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस वक्त ऑफ साइड में खेला, विश्वास वहां पर है, विश्वास अच्छी फील्डिंग करते हुए एक रन बटोरा गया। ओवर नंबर समाप्त होते हुए दो ओवर की समाप्ति के बाद रन की बात कर रहे हैं 7। चले बैटिंग करने वाली टीम पानी लेकर जाइए तुरंत, और फील्डिंग करने वाली टीम, दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी पानी लेकर तुरंत आइए मैदान के अंदर। बोलेंगे छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे मैदान के अंदर, चलेंगे डीजे मास्टर की तरफ।
पेनपटी से तो उस वक्त फिर से एक बार पार्थ अहिर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, अभी तक दो ओवर समाप्त हुए, दो ओवर में रन लगे हैं 7, 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती टीम। मुजम्मल पटेल 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदे खेली अभी तक 5-5 गेंदे 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस वक्त मिस टाइम, गेंद के नीचे खिलाड़ी केन खल्लासी और खल्लास कैच, मुजम्मिल पटेल मैदान के बाहर। तो देखेंगे इस वक्त नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर आते हुए हम देख सकते हैं इजाज, मगर इस वक्त गेंदबाजों का मिजाज बदलता हुआ हम देख सकते हैं क्या गेंदबाजी की जा रही है। हर एक विकेट के लिए 300 रुपए का इनाम है और हैट्रिक विकेट के लिए 1100 का इनाम एसएस फाइटर टीम ऑनर की तरफ से आएगा। ये इनामी राशि रखी गई है। हैट्रिक चौके हैट्रिक छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम नूरुल बाल सुल्तान इनकी तरफ से, और हर एक छक्के पर 100 रुपए का इनाम नूरुल बाल सुल्तान की तरफ से संजान टीम के लिए। बैटल मैदान के अंदर खिलाड़ी के बीच में चल रहा है, मैदान के बाद नूरुल भाई सुल्तान और एसएस फाइटर के ऑनर के बीच में चल रहा है, कैश प्राइस लगाए जा रहे हैं, ये भी बैटल देखने को मिलता हुआ। पार्थ अहिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक 3 विकेट चटका चुके हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। ऑफ साइड पर गेंद को खेलने का प्रयास था, डीप में खिलाड़ी मौजूद है इस वक्त, मैक्सी कॉन्ट्रैक्टर मैक्सी आए हैं, जरूरी ये नाम मैक्सी कॉन्ट्रैक्टर है, जरूरी नाम देखा जोश पिक्चर में शाहरुख खान को दिया गया था मैक्सी, वहां पर यही देखने को मिलते हुए। और अल्ताफ मलिक के तरफ से 2100 का इनाम, कोई बल्लेबाज अगर टीम मैच को जिताता है संजन के बल्लेबाजों द्वारा। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, डीप में खिलाड़ी है जिगा ब्रिजेश गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक थ्रो किया गया थोड़ा सा धीमा थ्रो, 2 रन बटोरे गए। विकेट कीपर रिकी पटेल कप्तान थोड़े नाराज है, स्ट्राइक पर थ्रो करना चाहते थे मगर नॉन स्ट्राइक पर थ्रो किया गया। मतलब कैप्टन उमेश कुम और शैलेश भाई, सेमीफाइनल का मैच 5 ओवर का होगा, हमारी कमेटी दर्शा रही है, ध्यान में रखिएगा, कमेटी की तरफ से अनाउंसमेंट है, प्लीज ध्यान में रखिए। ऑन साइड पर गेम को खेला गया, खलासी गेंद के नीचे, आज खलासी पूरे टीम को खल्लास खेल खेल रहे हैं, विकेट डाउन। उमेश बरे साहब काफी एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, कोयला काफी एंजॉय करते हुए, जरूर उनको पेट ने कोयला दिया है मगर उनका दिल काफी हीरे की तरह साफ है। उमेश बरे सर आप एंजॉय कर रहे इस मैच को, तो देखेंगे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आरिफ भाई, आरिफ भाई कॉन्ट्रैक्टर आए, एक मजे में बल्लेबाज है, मलिक साहब की तरफ से 2100 का इनाम है इस मैच को जिताने वाले खिलाड़ी के लिए, बल्लेबाजों के लिए इनाम रखा गया मगर यहां से थोड़ा सा दबाव में है। और तहिर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी, फुल टॉस बॉल थी, ऑनसाइड पर खेलने का प्रयास था, मिड ऑन पर खिलाड़ी है, जब तक गेंद की तरफ आए थे गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया गया, दूसरा चाहते हैं और यहां पर फिर एक बार नॉन स्ट्राइक पर थ्रो किया गया, रिकी पटेल फिर एक बार नाराज है, खिलाड़ी वहां पर नजर आए गेंद को फील्ड करते हुए मिस्टर नील पटेल, रिकी पटेल विकेट के पीछे थोड़ा सा परेशान है, स्ट्राइक पर थ्रो चाहते हैं मगर नॉन स्ट्राइक इन पर थ्रो किया जा रहा है। 12 रनों पर जा बचा स्कोर कार्ड, इस वक्त तक इनको खेला शॉर्ट
फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया, थ्रू किया गया, एक सिंगल बटोरा गया। क्या गेंदबाजी, पार्थ ने अभी तक 4 विकेट चटकाए हैं अपने स्पेल के, 2 ओवर डाले हैं, 2 ओवर उन्होंने डाले हैं, 4 विकेट अभी तक चटका चुके हैं, रन खर्च किए मात्र हम देख सकते हैं 8 रन 4 विकेट। यहां से अगर बात की जाए रन लगे उसके कार्ड पर 13, यहां से बनाने 46, 3 ओवर में 46 रन का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। तो चलेंगे इस वक्त मैदान के अंदर फिर से एक बार, केन खल्लासी बैटिंग बढ़िया की है, गेंदबाजी बढ़िया किया, कैचेस भी खूबसूरत लगभग रहे, केन खल्लासी ऐसा लग रहा है संजान बनाम केन खलासी, ये मैच मैदान के अंदर चल रहा है, ये बैटल है। फिर से एक बार केन खलासी गेंदबाजी के होते हुए तैयार अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर, पहली गेंद ऑन साइड पे किनको खेला गया, गैप में गेंद है, ब्रिजेश आए हैं, गेंद को फील्ड करेंगे, ब्रिजेश बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, फिर से एक बार नॉट थ्रो किया गया, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, मगर 2 रन बटोरे गए, अच्छा थ्रो था, बेहतरीन तरीके से फील्ड किया गया ब्रिजेश द्वारा। ब्रिजेश पटेल है वहां पर, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अरे भाई कॉन्टैक्टर के बल्ले से इस वक्त डाउन द ग्राउंड डीप में रिकेन पटेल, आरिफ कॉन्टैक्टर बैक टू डगआउट। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने कहा ना कि मोना सिसी बनाम केन खलासी, हर एक विकेट के लिए 300 रुपए के नाम है ऑनर की तरफ से, पप्पू भाई काफी खुश हैं, करीम भाई भी काफी खुश हैं। मैंने कहा ना कि ये टीम को रात को 12 बजे फोन किया गया था, उसके बाद ये टीम को एंट्री दी गई थी, समीर खान ने काफी जद्दोजहद की इस टीम के लिए, और ये टीम क्वार्टर फाइनल का मैच खेलते नजर आ रही है, और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री जब भी होती है ना कुछ तहलका लेकर आती है, और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है एसएस फाइटर की तरफ से। आइकॉन खिलाड़ी की बात की जाए, ग्रामीण आइकॉन खिलाड़ी, काफी बड़े आइकॉन खिलाड़ी नहीं, मगर क्या प्रदर्शन किया पार्थ अहिर और रिकिन पटेल, अच्छी खेल दिखाते अपने टीम के लिए। मैरुद्दीन जी आए हैं ऑफ साइड पे, किनको खेला गया, फिर से एक बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद मिस्टर नील नील पटेल, क्या गेंदबाजी की जा रही है इस वक्त, बेहतरीन हरफनमौला खेल, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त अंपायर मुनाफ सुल्तान गेंदबाज के साथ, वो नंबर प्रगति पथ पर है इस वक्त 4 यासिन शेख साहब भी हमारे साथ बैठ के मैच का आनंद लेते हैं हमारे कॉम बॉक्स में। 3 गेंदें डाली अभी तक, 1 विकेट चटका चुके हैं, 100 ओवर में 3 रन खर्च किए हैं। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, तेज तर्रार तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, यहां पर क्या गेंदबाजी की जा रही है, जरूर देखा जाए तो तेज तर्रार गेंदबाजी, जब भी हम तेज तर्रार गेंदबाजों की देखते हैं टेनिस क्रिकेट में, जरूर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज या फिर कैरेबियन गेंदबाजों की याद ताजा हो जाती है। और केन खलासी की बात की जाए तो ब्रेटली की तरह एक तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए, फिर से एक बार जड़ में रखा था, फौरन देख सकते हैं नौस्टाकर बल्लेबाज को गेंद जरूर लगी, 120 ग्राम की है गेंद, जब तक गेंद लगी बंधन पर 2 रन बटोरे गए, जरूर 120 ग्राम फुलटॉस 24 की गेंद लगी होगी, छाप जरूर छोड़ा होगा मेरुद्दीन जिया के बदन पर, मगर 2 रन बटोरे गए। आज 18 तारीख मेगा फाइनल डे, बुराक हर्बल की तरफ से जरूर मेडिकल कैंप रखा गया, आप जाकर वहां पर चेकअप कर सकते हैं, बुरा खरबल में फ्री चेकअप है, जा सकते हैं आप। एसएस फाइटर के जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी थोड़ा सा शांत है, आपको ज्यादा जरूरत है प्लीज जा सकते हैं आप चेकअप के लिए। और इस वक्त ऑन साइड पे खेल गए, वहां पर चिराग चिराग भाई
समीर भाई, चिराग भाई को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर कुश्ती के खिलाड़ी होंगे, मगर क्रिकेट के खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हट्टे कट्टे खिलाड़ी है। गेंद उनके हाथों में आती जरूर क्रेजी बॉल की तरह गेंद छुप जाती है, ऐसा कि उन्होंने फील्डिंग किया और इस इनिंग की पहली कैच उन्होंने लपकी है, ये भी तारीफ के काबिल होगी। ओवर नंबर समाप्त होते हुए चार चार ओवर के समाप्ति के बाद होने की बात की जाए, मात्र 19 लगे हैं। आने वाले दो ओवर 12 गेंदे 20 के औसत से बनाने 40। सेमीफाइनल के मैच इसके बाद होंगे, 5 ओवर के मैचेस, 2 ओवर पावर प्ले, 4 गेंदबाज यूज करना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। तो लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे मैदान के अंदर। धन्यवाद धन्यवाद इसे कृष्णल पटेल इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे। रिकेन पटेल है आइकॉन खिलाड़ी, रिकेन पटेल हमारे ट्वेल्थ में थोड़ा सा कंफ्यूज है, मगर रिकेन पटेल इस वक्त आइकॉन खिलाड़ी। दो बल्लेबाज है मैदान के अंदर, हम देख सकते हैं एक तरफ एजाज, एक तरफ मेहरुद्दीन जिया। और नो बॉल यहां पर दर्शाए अंपायर ने, नो बॉल घोषित की गई है। एक रन पूरा करने दूसरे का प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा, हम देख सकते हैं नो बॉल दी गई है। ऑफसाइड ऑफ टर्म, पीछे से जरूर गेंद डाला गया बॉक्स के बाहर, जब पैर टच हुई तो अंपायर ने वहां पर नो बॉल दिया गया। एक रन सिंगल और एक नो बॉल, दो रन आए हैं। फ्रेट की गई गेंद होगी, मैनुद्दीन जिया सबको स्ट्राइक पर होने की बात के जरूर जा पहुंचा 21 यहां से बनाने अभी इस मैच को जीतने के लिए 38-38 रनों का लक्ष्य होगा। 12 गेंदे, फ्रेट की गेंद, इस वक्त मैनुद्दीन जिया ऑन स्ट्राइक। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, केन खलासी, केन खलासी की बात की जाए काफी ज्यादा बिजी हैं, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, विकेट कीपर की तरफ थ्रो नहीं किया, गलती कर बैठे गेंदबाज। एक रन एक्स्ट्रा खर्च किया गया, एक गेंद पर अभी तक 4 रन खर्च किए नहीं गए रिकेन पटेल ने, मगर केन खलासी की बात की अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली, खूबसूरत बैटिंग का मुजहरा उन्होंने पेश किया। बत्तीस रन उन्होंने बनाए हैं, गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी की और दो विकेट चटकाया, एक विकेट उन्होंने चटकाया। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। ऑन साइड पर तान दिया डीप में, इस वक्त नील पटेल और मैनुद्दीन जिया मैदान के बाहर। एसएस फाइटर अगर इस मैच को जीतती है तो टिंकू भैया की तरफ से इनामी राशि दी जाएगी 500 रुपया। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर पंडरी शेठ फड़के, बैलगाड़ी शरद के किंग, इनके ऊपर जरूर गाना लगाया गया। और देख सकते हैं हम सातवें क्रमांक पर रेहान, आठवें क्रमांक पर रेहान आए, 6 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, रिकेन पटेल की बात की जाए पलटवार बढ़िया किया गया, एक गेंद पर 4 रन खर्च किए, उसके बाद विकेट छटकाए, गेंद बिंदी डाली है। उसके बाद एसटी सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा, पहला मैच होगा। तफसीर खान साहब का आगमन होता हुआ, गुरु शिष्य के अध्यक्ष काफी बिजी हैं, मगर इस प्रतियोगिता के लिए काफी वक्त निकाल रहे हैं अपना। ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे खिलाड़ी, काफी दूर है मिस्टर ब्रिजेश पटेल, छनन नाम से उन्हें जाना जाता है, इस तरह से हमें ट्वेल्थ में बताते हुए छनन नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, मगर केन खलासी ने आज छनन ऐसा स्तर का प्रदर्शन किया है। केन खलासी, पार्थ अहिर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लगातार विकेट चटकाए, उन्होंने 2 ओवर डाले और 8 रन खर्च के 4 विकेट चटकाए, बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ पार्थ अहिर के द्वारा भी। वेलकम तफसीर खान साहब,
ऑन साइड पर डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी मौजूद कृष्णल पटेल, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, एक सिंगल, एक एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता है, स्कोर कार्ड जा पहुंचा मात्र 25, यहां से बनाने 34। आने वाली गेंदों की बात की जाए, अभी भी इनिंग में मात्र 7 गेंदों का खेल बाकी होगा। इस वक्त रेहान ने शॉट तो बड़ा खेला, नील पटेल गेंद के नीचे और रेहान मैदान के बाहर, विकेट नंबर 7 बैक टू डगआउट। 5 ओवर समाप्त हुए, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए, रन लगे मात्र 25। आने वाली 6 गेंदें लगातार 5 छक्के और 1 चौके की दरकार 34 बनाने इस मैच को जीतने के लिए। एक मिनट, उमेश कुम निर्णय सांगायचा आपला, निर्णय अजून आला नाहीये, प्लीज क्षेत्ररक्षण घेतलाय, ओके विशाल पटेल को इस वक्त गेंदबाजी बुलाया गया, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आए हैं, नौ स्ट्राइक पर हम देख सकते हैं प्रभात आइकॉन खिलाड़ी स्ट्राइक पर एजाज है, बस खेल दिया गया, डीप में खिलाड़ी नहीं है, गेंद इस वक्त कारपेट गोल को तो निकल जाएगी, डीप बैक और पॉइंट पर 4 रन के लिए, यहां से 5 गेंदे 30 बनाने, लगातार 5 छक्के इस मैच को जीतने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। उस वक्त स्लोवर गेंद विकेट के ऊपर से डॉट बॉल, तो 4 गेंदे और 30 औपचारिक दौर इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार स्लोवर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, विकेट का पतन और एक 300 का इनाम आएगा विशाल पटेल के लिए, हर एक विकेट के लिए 300 का इनाम है हमारे टीम वालों की तरफ से। तो चलेंगे फिर से एक बार मैदान के अंदर, औपचारिक तो इस मैच में देखने को मिलती भी, अभी तक 8 विकेट आए हैं हसनैन मांजरा इस वक्त मैदान के अंदर, मोनासी संजान पूरी तरह बैकफुट पर है इस मैच में, दिशा देने का प्रयास, डॉट बॉल जरूर आएगी, देख सकते हैं हम प्रभात स्ट्राइक पर आना चाहते हैं और एक रन बढ़ा गया, प्रभात आखिरी 2 गेंदे खेलने की इच्छा जता रहे हैं, 22 का रन अंपायर दर्शाते हुए मात्र 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। इस वक्त आखिरी गेंद का खेल बाकी है, चलो आखिरी गेंद औपचारिकता इस मैच को जीतने के लिए, मगर अभी भी देख सकते वाइड गेंद आई है, डीप में खिलाड़ी हैं, गेंद को रोका जा रहा है, हसनैन दौड़ना नहीं चाहते मगर दौड़े हैं, प्रभात स्ट्राइक पर वाइट के रूप में 2 रन आएंगे, 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त हम देख सकते हैं 33 पर जा पहुंचा, आखिरी गेंद इस मैच को जीत लिया SS फाइटर सूरत ने, कांग्रेचुलेशंस SS फाइटर और कांग्रेचुलेशंस टीम ऑनर, विकेट यहां पर चटकाए जा चुके हैं अभी तक इस इनिंग में, बात की जाए 8 विकेट आए हैं और इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट केन खल्लासी, जिन्होंने खल्लास परफॉर्मेंस किया है, 32 रन बनाए और 4 लगातार छक्के भी जड़े हैं, तो
तो उनके लिए 2000 का इनाम होगा, 4 छक्कों के लिए 1 विकेट चक्का है उसके लिए 300 रुपए का इनाम। जितने भी विकेट आए हमारे ऑनर की तरफ से इनाम दिया जाएगा। हमारे ऑनर सभी आइए, करीम भाई, पप्पू भाई, सिराज भाई, प्लीज आइए, आपके हाथों से इनाम दिया जाएगा। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच केन खलासी। केन 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 आ जाओ प्लीज केन।